My dear students, in this video I shall teach you use of some structures. There are some sentences which are translated with the help of special words, such as besides. Besides means in addition to, अर्थात अतिरिक्त. For example, I ate apples besides bananas. अर्थात मैंने केले के अतिरिक्त सेब भी खाए. बच्चों, in addition to, अतिरिक्त, बजाय. अदर एग्जाम्पल, आई बॉट पेंसिल्स बिसाइड्स पेन्स. अर्थात मैंने पेन के अतिरिक्त पेंसिलें भी खरीदी. इस प्रकार के वाक्यों में जिसमें एक वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु भी क्रय की जाए या कुछ भी किया जाए, तो उसके लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं. अब दूसरा एग्जाम्पल, बिसाइड्स बीइंग सेंट टू जेल ही वाज फाइंड. अर्थात जेल भेजे जाने के अतिरिक्त तो उस पर जुर्माना भी किया गया. तो जेल भेजे जाने के अतिरिक्त, अतिरिक्त बिसाइड्स, तो बिसाइड्स बीइंग सेंट टू जेल ही वाज फाइंड. द नेक्स्ट बिसाइड, बिसाइड्स मीन्स होता बाय साइड. फॉर एग्जाम्पल, डोंट सिट बिसाइड मी, मेरे पास मत बैठो. नेक्स्ट, इंस्टीड ऑफ मीन्स इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर या बजाय, के स्थान पर या बजाय. अर्थात माई फादर रीड्स द रामायण इंस्टीड ऑफ द गीता, मेरे पिताजी गीता के स्थान पर रामायण पढ़ते हैं. द स्टूडेंट ऑफर्ड आर्ट इंस्टीड ऑफ संस्कृत. अर्थात विद्यार्थी ने संस्कृत की बजाय आर्ट चुना. द नेक्स्ट, बिगिन टू मीन्स टू स्टार्ट, हिंदी में लगा, लगी, लगे के लिए. अर्थात द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ने लगी. अदर एग्जाम्पल, वर्षा होने लगी, इट बिगिन टू रेन, चपरासी घंटी बजाने लगा, द पियोन बिगन टू रिंग द बेल. अबाउट टू वाला मीन्स पॉसिबिलिटी के लिए. अर्थात द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, रेलगाड़ी आने वाली है. वाला वाली शब्द आ जाते हैं तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं. या द सन वाज अबाउट टू सेट, सूरज छिपने वाला था. द नेक्स्ट, हाउ टू कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग या कैपेसिटी टू डू समथिंग, करने की कोई क्षमता या योग्यता के लिए. अर्थात आई नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम. ही नोज हाउ टू राइट एन एसे, उसे निबंध लिखना आता है. नाउ keep on or go on, for continuity, काम जारी रखने के लिए. For example, the boys kept on playing the match, लड़के मैच खेलते रहे. Second, the teacher went on teaching English, अर्थात अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता रहा. इसमें continuity आती है, कार्य जारी रहता है.
नेक्स्ट हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू, इन सब का प्रयोग नेसेसिटी अनिवार्यता या आवश्यक मजबूरी के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना पड़ता है। आई हैव टू ड्राइव द कार, मुझे कार चलानी पड़ती है। शी हैड टू कुक द फूड, उसे खाना पकाना पड़ता है। आई शैल हैव टू गो टू लखनऊ, मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। इस प्रकार से बच्चों इनका प्रयोग होता है। द नेक्स्ट है यूज टू, यह फॉर हैबिट इन पास्ट, अतीत में किसी आदत के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई ग्रांड मदर यूज टू टेल अस स्टोरीज एट नाइट, मेरी दादी रात को हमको कहानियां सुनाया करती थी। इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ प्लस वी पावर आईएनजी बावजूद के लिए प्रयोग होता है। इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका। इन दिस वे आई टॉट यू सम स्ट्रक्चर्स, यूज ऑफ सम स्ट्रक्चर्स एंड यू मस्ट लर्न ऑल द रूल्स बाय हार्ट सो दैट इन कंपटीशन इन ट्रांसलेशन यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। थैंक यू।